हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चैनल आर के क्लासेज। तो इस वीडियो में फिर से लेके आऊँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से 12th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे जाएंगे। ओके, तो क्या है एक्स टू 18x, ये हमें दे रखा है एक डिटर्मिनेंट ये दे रखा है। ओके, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक्स का 6 लिख देंगे। ओके, बट ये गलत आंसर होता है। वो होता है आपका मैट्रिक्स में जब हमारा ये फॉर्म होता है। आपको हमेशा याद रखना है, ये देखो ये किसका साइन बोलता होता है, डिटरमिनेंट का। और मैट्रिक्स जो होती है मेरी, ये रेक्टेंगल का थोड़ा सा शेप होता है। ओके, ये सीधी स्ट्रेट पैरेलल लाइन होती हैं और इसमें रेक्टेंगल साइड होते हैं मैट्रिक्स में हमारे। तो जब हम इक्वल लिखते हैं वो हमेशा मैट्रिक्स में लिखते हैं, डिटरमिनेंट में इक्वल नहीं लिखते। डिटरमिनेंट का क्या मतलब है, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट इक्वल होता है। डिटरमिनेंट तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई। ओके, तो इसके से करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 18 का 2 से करेंगे 36 इक्वल। इधर करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, 36 माइनस 18 × 2 36। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इतना इधर आएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 36 पॉजिटिव। ओके, माइनस 36 इक्वल किस तरफ आ गया, 36। एक्स सिंपल कितना आएगा, √36। ओके, तो देखो एक्स कितना आएगा सिंपल, प्लस माइनस 6। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो गलती मत करना, हमें ये नहीं लिखना होता 6, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है, प्लस माइनस 6। और हम अगर लिखेंगे ऐसे तो क्या लिखेंगे, बस 6, तो ये गलत होता है। ओके, मेन आंसर करेक्ट होते हैं ये। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।